नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में नंबर सिस्टम नोट्स का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। अभी तक हम क्वेश्चन कर चुके थे 120, आज स्टार्ट करेंगे 121 से। तो पूरे वीडियो को आप एंड तक ज़रूर वॉच करें, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलने वाला है। तो होपफुली आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, ये आपके सामने संख्या लिखी है 91876। फिर ये क्या है, ये है बॉक्स और देन कितना लिखा है, ये लिखा है 2 और ये है कोमा। ठीक है, पूछ रहा है कि 8 से पूरी तरह डिविजिबल है या नहीं, यानी कि 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा या फिर नहीं। तो बिल्कुल आराम से बताऊंगा, बने रहें आप। ठीक है, तब आप बताइए 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल यही है कि एंड के जो 3 डिजिट होते हैं, लास्ट 3 डिजिट, उनमें यदि 8 का भाग जाता है तो जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। तो लास्ट के 3 डिजिट हम यहाँ से निकालेंगे। तो देखिए, 6 बॉक्स 2 6 बॉक्स 2, ये तो हमने सभी जगह लिख लिया। ठीक है, अब हमें पता है ए बी सी डी इन चारों में से एक तो सही होगा, हम यहाँ पे रख के चेक करेंगे यार। ठीक है, पहले मैंने एक रखा, भाग नहीं जा रहा, आप खुद देख लेना। ठीक है, फिर मैंने 2 रख के देखा, फिर भी नहीं जा रहा, 3 रख के देखा तो जा रहा है, कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पर आप बताइए 56 होगा, ठीक है, और 7 बचेंगे, ठीक है, 72 में चला जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा। ठीक है, समझ में आ चुका हो गया आपके, 8 चौके 32 8 9 72। यानी कि दोस्तों यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या क्या थी, यदि ऑप्शन में 4 आया है, कितना, 8 चौके 32, तो गाइज ये तो सिर्फ आपको बताने वाली बात थी कि 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो भी यूनिट डिजिट कितना आता है, 2, और 9 से कराओ तो भी 2 आता है, यहाँ पे भी तो 2 था। ठीक है ना, तो यहाँ से हमने देखा गया, हमें यह पूछ रहा था। आपके लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है वो यही रहने वाला है कि आप इनको रख कर देख लीजिएगा, भाग दीजिएगा, और यदि जाता है तो अन्यथा नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः विभाज्य है। 45 यानी कि 45 इनमें से पूछ रहा है। 45 को पहले आप देखो, 45 में 9 और 5, यानी कि 9 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, 5 से भी होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा था वह 9 और 5 दोनों से भाज्य होनी चाहिए या विभाज्य होनी चाहिए या डिविजिबल होनी चाहिए। तो 5 का तो मैं पता है यार, बिल्कुल हम देखते ही बता देंगे कि यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, ये है ये है ये है, यहाँ तक तो ये तीनों, ये तो नहीं है, इसे तो पहले ही हमने एलिमिनेट कर दिया, यानी कि बाहर निकाली, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हम इन तीनों में तो देखिए 5 की तो यह तीनों ही है, 9 से चेक करेंगे, आइए आराम से चेक करते हैं। देखिए 9 का रूल क्या है, योग होना, योग में यदि 9 का जाता है जाता है, नहीं तो नहीं, 8 1 9 बना काट दिया, ठीक है, 11 1 12, 12 में नहीं जाता ना 9 का, ठीक है, नहीं जाएगा। आगे देखिए 3 और 3 6, या फिर आप ऐसे देखिए 5 और 4 कितने हो गए, 9 काट दिया, ये कितने हो, 6 2 8, नहीं जा रहा यार 8 में। आगे देखो 2 और 2 4 8 10 और 6 कितने होते हैं, 16, ठीक है। देखिए देखिए इसे आराम से देखिए थोड़ा, 2 और 2 कितने, 4, 4 और 8 कितने, 12 12 और 6 18, देखिए जा रहा है यहाँ पे, योग कितना हो रहा है, 18, यूनिट डिजिट 0, क्योंकि 0 कैसे बच रहा है आप बताइए, भाग देने पर ही तो, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ऐसा क्वेश्चन आए ना तो 45 9 और 5, ठीक है, दोनों से चेक करना है। अब यदि मैं आपसे ये बोल दूँ कि आपको जैसे चेक करना है 24 का, तो आप कैसे करोगे, तो वहाँ पर आपके लिए हो जाएगा क्या, आप 6 और 3 कर सकते हो, नहीं कर सकते, सॉरी सॉरी 6 और 4 कर सकते हो, नहीं, 8 और 3 वहाँ पे आपको लेना होगा। क्योंकि दोस्तों ये रूल बनाओ ना, तब उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ आपका 1 होना चाहिए, कभी बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, एक वीडियो बना कर देंगे आपको, ठीक है ना, यदि ज़रूरी होगी तो कर दोगे, और नहीं करोगे तो भाई साहब क्यों बनाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 99 के लिए निकालो आप, 99 का सीधा निकाल नहीं सकते, 11 9 99, यानी कि 11 से चेक करना है और 9 से चेक करना है, पहले ज़्यादा कौन सा सही रहेगा, 9 से चेक करने वाला सही रहेगा। तो आ जाइए 11 बना, दोनों से डिविजिबल होनी चाहिए, चेक करते हैं किससे करते हैं, पहले 9 से करते हैं, ठीक है। तो मैं 9 जहाँ पर भी 9 का मल्टीपल बनेगा 9 से मैं काट दूंगा, सीधी सी बात, मुझे आगे नहीं जाना। ये देखिए 7 और 2 9 काट दिया, ये 8 और 8 और 8 16, इसमें तो भाई साहब 9 का नहीं जा रहा, 9 का नहीं जा रहा तो 99 का भी नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। इसमें देखिए 9 काट दिया 9 काट दिया, 8 और 1 9 काट दिया, ये हो रहा है अभी तक, ये हो रहा है, आगे इसे देखते हैं, 9 कट गया, ठीक है, उसके बाद में देखिए 10 14 14 और 4 18, ये भी कट गया, यानी कि यहाँ तक तो ये दोनों आंसर है। इसमें देखते हैं 6 और 3 9 9 और 9 18, ये तीनों आंसर बन रहे, ये तो नहीं होगा, डेफिनेटली कह सकता हूँ। अब यार 11 से चेक करना ही पड़ेगा, तो मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट पेज पर कि 11 से हम कैसे चेक करेंगे।
तो गाइस 11 से यहाँ पे खास लिखा नहीं गया क्योंकि मुझे आता है तो मैंने नहीं लिखा था उस टाइम, ठीक है, लेकिन आपको बताएंगे यार, आपको बताएंगे, देखिए आप यहाँ से कि 11 का आपको कैसे करना होता है। 11 से आप देख लेना जिस संख्या में 11 का भी भाग जा रहा हो ना, 9 का तो देखिए एक इन तीनों में जाए, 1 2 3, जिसमें 11 का भी चला जाए ना वही आपका आंसर हो जाएगा। 11 का एक दिन आपको रूल बताऊँगा, फैंटेस्टिक रूल होगा, बुक से बाहर होगा लेकिन बहुत ही शानदार जानदार होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यदि संख्या 42573 बॉक्स 72 से विभाज्य है तो बॉक्स में क्या आएगा, ये पूछ रहे हैं हमसे ये। तो यहाँ पर पहले तो आप 72 से डिविजिबिलिटी लगाइए, क्या क्या हो सकता है डिविजिबिलिटी की, 8 और 9 यानी कि उसमें 8 का भी भाग जाना चाहिए और 9 का भी जाना चाहिए। ज़्यादा चेक करने में आसान कौन सा रहेगा, डेफिनेटली 9 का रहेगा। तो आइए हम 9 से चेक करते हैं, ठीक है, 9 से चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे इसने 8 से किया लेकिन मैं आपको 9 से करके बता रहा हूँ, ठीक है ना, तो देखना ध्यान से। तो जहाँ पे भी 9 का मल्टीपल बनेगा मैं उसे उड़ाऊँगा, काट दूंगा। 5 और 4 9 कट गए, ये 5 और ये 4 9 बन गए, मैंने काट दिया। 7 और 2 9 बन गए, काट दिया। अब यहाँ पर देखिए 3 है, 3 के साथ मैं इसमें से क्या रखूँ कि 9 का भाग पूरा पूरा चले। 3 के साथ 4 रखूँगा, 7 बनेगा, नहीं जाएगा। 3 के साथ 6 रखेंगे, चला जाएगा। 8 नहीं 10 नहीं 6, फिनिश, क्वेश्चन इज फिनिश, ठीक है ना। और 8 के रूल से आप करना चाहें तो 8 के लिए मैंने यहाँ पर समझाया है, आप बिल्कुल आराम से देख लेना, ठीक है। 9 से ज़्यादा इजी पड़ेगा इसलिए मैंने 9 से किया है, क्योंकि पहले सर ने बताया था वो नोट्स में 8 से बताया था, लेकिन मैंने यहाँ पर 9 से किया है। और आपको भी ठीक ऐसे ही करना है, जो आपको इजी लगे ना उससे करो यार, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक्स और वाई 653xy संख्या के 2 अंक है, एक्स और वाई इस संख्या के 2 अंक है, ठीक है, और यह संख्या 80 से विभाज्य है तो एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन, ये आपके सामने ऑप्शन, अब देखते हैं। 80 से विभाज्य है इसलिए यूनिट डिजिट यानी वाई बराबर 0 होगा डेफिनेटली, क्यों, क्योंकि 0 यहाँ पर है। 80 से यदि कोई संख्या विभाजित है तो देखिए 0 से यदि कोई संख्या कब विभाजित हो सकती, जब वो संख्या का यूनिट डिजिट 0 हो, अदर में तो नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो यूनिट डिजिट 0 होगा यानी कि यूनिट डिजिट इसमें है क्या वाई, तो वाई का मान कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा है 3xy है यार, ये 3xy है, गुणा मत मान लेना, ठीक है, 3xy। तो y के लिए मैंने आपको मान बताया यूनिट डिजिट 0 हो चुका था, ये 0 लिख दिया। अब आपको ऑप्शन उठाना है यहाँ से, तो देखिए अब हम 8 से चेक करेंगे खाली, ठीक है, कि यहाँ पर x की जगह पे मैं क्या रखूँ कि 8 का भाग चला जाए। तो मैंने रखा 2, तो 2 रखते ही जा रहा है। 3 रखोगे नहीं जाएगा, 4 रखोगे नहीं जाएगा, 6 रखोगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो 80 से जा रहा है तो इसका मतलब 8 से तो जाएगा यार, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अब आप आराम से देखो, समझो ध्यान से, ये बोल रहा है कि उनका योग क्या होगा, x प्लस वाई। अब हमने थोड़ी देर पहले ही बोला देखा था कि y का मान कितना आया था, 0, और x का मान कितना आया, 2, तो 0 और 2 कितने होते हैं, 2, यहाँ पर लिखा नहीं गया वो, ठीक है। तो आपके समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि उत्पाद 4864 मल्टीप्लाई 9P2 12 से भाज्य है तो पी का मान आपको ज्ञात करना है, यानी कि इसको इससे गुणा करने पर संख्या वो 12 से भाज्य है, ठीक है। तो आप बताइए कि पी का मान क्या होगा, आइए आराम से 12 का डिविजिबिलिटी रूल बताइए पहले। तो 3 और 4 का भाग जिसमें जाता है उसमें 12 का भी जाएगा, ठीक है। मैंने ये लिख लिया कुछ इस तरीके से, ये मल्टीप्लाई यानी कि क्वेश्चन ही लिखा। अब एक में तो 3 का जाना चाहिए, एक में 4 का भाग जाना चाहिए। तो आपको डेफिनेटली यदि आपको विभाजकता के नियम आते हो और दिमाग ढंग से काम करता हो ना, तो आपको इसे देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें 4 का भाग जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा, इसमें 4 का जा रहा है। तो भाई साहब ये तो 4 से सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन ये इसमें तो 3 का ही जाएगा, क्योंकि इसमें तो 3 का जा नहीं रहा था, इसमें पक्का जाएगा यार 3 का। तो गाइज अब देखिए आराम से, ये संख्या तो 4 से विभाज्य हो चुकी, तो इससे तो आप मतलब नहीं, आप इसको छोड़ दीजिए, ये 3 से होगी पक्की होगी, क्योंकि ये 4 से हो रही है तो ये 3 से होगी, तभी तो ये पूरी संख्या 12 से होगी, इतना क्लियर है, ठीक है। 3 से होने के लिए अब आप यहाँ से पी की जगह इनमें से कौन सा रखोगे कि 3 से डिविजिबल हो जाए। तो आइए रूल लगाते, ऊपर नहीं देखूंगा मैं, ऊपर नहीं देखूँगा। देखिए 9 को मैंने काट दिया, क्योंकि यार 3 का मल्टीपल है इसलिए काटो, कुछ रखने में कोई फ़ायदा नहीं है। 2 है, 2 में मैं पी के लिए क्या जोड़ दूँ, पी का मान क्या रखूँ कि 3 से डिविजिबल हो जाए, 3 का रूल लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं देखूँ 6 रखूँगा तो 8 बनेगा, नहीं जाता, 4 नहीं जाता, 3 जाता है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो पी का मान कितना हो जाएगा, 1, बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसको भी आप आराम से देखना। यदि संख्या 5 बॉक्स 2
छः से भाज्य है तो बॉक्स में क्या लिखा जाएगा, ये पूछ रहा है। ये ऑप्शन आपको ये गिवन है, आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। छः तो छः का वो विभाजकता का नियम क्या हो जाएगा, दो और तीन। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, आराम से देखना। जो भाज्य संख्याएं हैं ना, उनकी भाजकता का नियम क्या होता है, ठीक है? तो उनकी भाजकता का नियम अभाज्य संख्याओं से उठ कर आता है। और दो ऐसी संख्याएं आप उठाइए, दो ऐसी आप संख्याएं उठाइए जिनका जिनका क्या, जिनका एचसीएफ एक होना चाहिए, ठीक है ना? वो भाज्य भी हो सकती है, अभाज्य भी हो सकती है, लेकिन एचसीएफ यार एक होना चाहिए। देखिए आगे, यूनिट डिजिट दो, कैसे चेक करा मुझे, दो और तीन का देखना है। तो यूनिट डिजिट इसमें दो, इसका मतलब दो का तो भाग जाता है, आगे देखने की जरूरत नहीं। अब तीन का देखेंगे, दो इसलिए दो से भाज्य देख लिए, लिख रखा है, ठीक है? अब मैं देखूंगा तीन का, तीन के लिए क्या रूल होता है, योग में जाता है तो जाता है, अन्यथा नहीं जाता। तो देखिए योग हम करते हैं, पाँच प्लस बॉक्स प्लस ये, तो हमारा कितना आना चाहिए, आप पाँच और दो कितने होते हैं सात, सात के बाद में तीन की भाग जाने वाली संख्या कौन सी है, नौ। तो इनमें से आप क्या रखो कि नौ बन जाए आपका बॉक्स, नाइन टू टू आएगा बस, और कुछ नहीं है, ठीक है ना? आराम से रख के देख लेना, बिल्कुल इजी वे में बताए, फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप आराम से बिल्कुल इजी वे में करेंगे। कौन सी संख्या 24 से भाज्य है, मैंने पहले बोला था 24 यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। तो 24 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या बनेगा, 8 × 3 यानी कि 8 और 3 बनेगा, 12 2 नहीं बन सकता क्योंकि उनका एच सी एफ 2 होता है, 6 और 4 नहीं बन सकता क्योंकि उनका भी एच सी एफ 2 होता है, एच सी एफ 1 होना चाहिए, जो आप संख्या उठाए ना उनका एच सी एफ कितना होना चाहिए, 1। 3 और 8, 8 और 3 एक ही बात है यार, ठीक है? तो यहाँ से चेक करो आप, किस से चेक करना ज़्यादा आसान रहेगा, तीन से। तो तीन से आप इन्हें चेक कर लेना, आपका जो आंसर है वो यही आ जाएगा, ठीक है? फिर भी यदि मानो कि तीन से कोई दो संख्या डिविजिबल हो गई तो आपको पता है दो तो आंसर हो नहीं से, तो फिर आप 8 से चेक कर लेना, ठीक है? वैसे मैं आपको चलो 8 से चेक करके बताता हूँ इस क्वेश्चन में, 8 से आ जाइए यहाँ पे, 8 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट के तीन डिजिट देखते हैं। तो देखते हैं इसे यहाँ पर क्या होने वाला है, 8 का मैंने भाग दिया, 71 में 64 तक जाएगा, 7 बचेगा 78 में, नहीं जा रहा भाई साहब, नहीं जा रहा, ये तो नहीं होगा। 810 नहीं जा रहा इसमें भी, 804 नहीं जा रहा इसमें, हाँ इसमें जा रहे। देखिए एंड के तीन डिजिट देखिए, 736 दिख रहे हैं आपको, 72 तक जाएगा, 1 बचेगा, 16 में चला जाएगा, डेफिनेटली विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना? कोई ज़रूरत नहीं है तीन से चेक करने की, यदि आप करो तो कर लेना यार, ठीक है? 8 से करो, जो आपको अच्छा लगे ना उससे कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कितनी संख्या 132 से विभाज्य है, कितनी यानी इनमें से पूछ रही है, कौन कौन सी पूछना, कितनी यार गिनती की पूछ रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे करिए, कितनी है वो इससे भाज्य है, ठीक है ना? कितनी संख्या 132 से भाज्य है, तो ये संख्या देखिए क्वेश्चन बड़ा लिया है मैंने जानबूझ के, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 में से आपको बताना है किन किन संख्याओं में 132 का भाग जाता है, 4 संख्याओं, 7 में 5 में या फिर 6 में। तो 132 से आप डिविजिबिलिटी का रूल उठाइए, क्या उठता है, 11 और 12 एच सी एफ देखूँ तो 11 का मैंने 11 रख लिया, 12 12 मुझे पता है 3 × 4 होता है, मैं क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा इजी करूँगा बस, काम यही है, ठीक है? अब 3 का लगाएं या 4 का लगाएं, 4 का यार ज़्यादा इजी रहता है, 3 से 4 का ही लगाएंगे, इसमें 4 का जाता है, जाता है, ठीक है? 3 का और चेक करेगा, 3 का 8 4 12, 3 का भी जाता है, 11 11 का भी जाता है, तो ये तो है क्लियर। इसमें देखें ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये इसे देखते हैं आराम से, 4 से चेक करूँगा, नहीं जा रहा, सॉरी 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 जा रहा है, ठीक है? और 3 से चेक करते हैं तो ये 3 से नहीं जा रहा, तो डेफिनेटली नहीं जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है? ये देखते हैं, अभी तक 3 संख्या शुरू की 4 हुई है, 1 नहीं हुई है, बस शुरू की 4 संख्या में भाग गया था, 1 में नहीं गया था, इस सबको चेक कीजिए, 21 78 है, तो 3 से कटेगा 15, हाँ 3 का जा रहा, 4 का नहीं जा रहा, 4 का नहीं जा रहा भाई साहब, नहीं जा रहा, ठीक है? आगे देखो, 5 और 1 6 10 18 इससे जा रहा है, 4 और 3 और 4 दोनों से जा रहा है, 11 से चेक करें क्या, 11 से चेक करते चलिए, ये 8 13 नहीं जा रहा, 11 से आगे चेक नहीं करना है, नहीं जा रहा, ठीक है? ये भी नहीं होगा, तो आगे इसे हम देखें तो 6 3 3 6 9 9, ठीक है? जा रहा है किसका, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 11 का जा रहा है, तो यहाँ से गाइस ये संख्या एक बार फिर से गिनते, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से मैंने अभी चेक किया था, दो संख्या गलत हुई थी, तो यानी हमारा जो राइट आंसर है वो 6 हो जाएगा, ठीक है ना? क्वेश्चन को ऐसे छोटे से छोटे में ले जाना यार, कहीं पर आप 12 से भाग करके देखो, क्यों देखो, आपके पास में 3 और 4 है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है? आप बिल्कुल इसे आराम से देखना, अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। 4 7 6 दो बॉक्स बने हैं, 1 0 है, 3 और 11 दोनों से विभाज्य, यानी कि इस संख्या में 3 और 11 दोनों को भाग देता है, तो 100 और 10 के स्थानों में गैर शून्य अंक क्रमशः हैं,
सौ वाला इकाई दाई सैकड़ा यहाँ पर क्या आएगा और दहाई यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे गैर शून्य यानी कि शून्य नहीं हो सकता, बस शून्य नहीं रखना है। उसके बाद में आप क्या रखो कि तीन और सात, तीन और ग्यारह दोनों का भाग चला जाए। तो आइए हम पहले करते हैं तीन से चेक। तो मैं यहाँ से जोड़ के देखूँगा कि होने क्या वाला है। ऑप्शन से ही करेंगे यार, इसे विदाउट ऑप्शन तो होगा ही नहीं। चार और सात कितने होते हैं, छः को काट दिया पहले, तो चलो ले लेते हैं दोनों को ही लेते हैं। चार और सात ग्यारह, ग्यारह और छः कितने होते हैं, सत्रह। ग्यारह और छः कितने, सत्रह। अब सत्रह में आप बताओ, यहाँ से मैं ग्यारह ऐड करूँगा तो अट्ठाईस होगा, यानी तीन का नहीं जाएगा। सत्रह में बारह ऐड करूँ तो उनतीस होगा, ये भी नहीं जाएगा। सत्रह में मैं ये ऐड करूँ, तेरह आठ पाँच तेरह, तीस हो रहा है, जा रहा है, बस यही है। ये दो नहीं है, यही है बस, और क्या है, ठीक है। नन है, नन ध्यान रखना। ग्यारह से भी चेक करना, मैं देख रहा था कि आप में कितना कॉमन सेंस है। तो आप इसे ग्यारह से भी यार चेक कर लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। ग्यारह का यदि चेक करोगे तो मैं आपको एक डेफिनेटली रूल दूंगा, जिसके लिए आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना होगा। तो गाइज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।